हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता है कि पीसीसी को लेके इंडिया में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, पीसीसी का वैलिडिटी को लेके। लेकिन इस बीच में इंडियन एम्बेसी इन कुवैत ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दे दिया है, कुछ वीजास में पीसीसी का जरूरत नहीं होगा। कौन कौन सा वीजा है आज के वीडियो में बताऊंगा, एंड ऑल्सो इंडियन एम्बेसी ने जो नोटिस जारी किया है इसको भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एंड चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पीसीसी मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आप कुवैत में वर्क वीजा में आना चाहते हैं तो आपको पीसीसी का जरूरत होता है, जो आपको बनवाना पड़ता है पासपोर्ट ऑफिस में जाके। सेम पासपोर्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस में पीसीसी बनता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या स्टेप है पीसीसी बनाने का, इस रिलेटेड हर एक वीडियो मेरा चैनल पे है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो गाइस, रिसेंटली पीसीसी का वैलिडिटी को 3 महीना कर दिया गया है। पहले 6 महीना था, लेकिन 31 जनवरी से पीसीसी का वैलिडिटी को 3 महीना कर दिया गया है। आप में से ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता है, इवन मैंने भी वीडियो पोस्ट किया है चैनल पे, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने रिसेंटली, इंडियन एम्बेसी इन कुवैत ने जो रिसेंटली जो अपडेट दिया है, जो नोटिस जारी किया है, इसमें यह कहा गया है कि कुछ वीजा में पीसीसी का जरूरत नहीं होगा। ये जो वीजा होगा लाइक विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा एंड बिजनेस वीजा। अगर आप कुवैत में विजिट में आना चाहते हैं या टूरिस्ट वीजा में आना चाहते हैं या कुछ बिजनेस करने के लिए बिजनेस वीजा में आप कुवैत में आना चाहते हैं तो आपको पीसीसी का कोई जरूरत नहीं होगा। लेकिन अगर आप वर्क वीजा में आना चाहते हैं, काम के लिए, काम का जो वीजा होता है, अगर इसमें आप कुवैत में आना चाहते हैं तो आपको पीसीसी बनवाना ही पड़ेगा, जिसका वैलिडिटी बस 3 महीना तक ही रहेगा। 3 महीने के एक दिन ऊपर हो जाएगा तो ये पीसीसी इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन जो लोग विजिट में आएंगे, टूरिस्ट वीजा लेके आएंगे या बिजनेस वीजा लेके आएंगे, उन लोगों को पीसीसी का कोई जरूरत नहीं होगा। एंड ये जो विजिट वीजा है, इसको भी मल्टीपल एंट्री का वीजा भी किया जाएगा, इसको लेके भी अपडेट आया है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है। जब भी आ जाएगा मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूंगा कि इस वीजा में भी आप लोग मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं या नहीं। मल्टीपल एंट्री का मतलब होता है आप एक बार आए हो, अपना कुछ काम था, आके फिर वापस गए हो, फिर वापस आ सकते हो, पहले नहीं आ सकते। जब ये मल्टीपल एंट्री कर दिया जाएगा, आप आ सकते हो, जा सकते हो विजिट वीजा में। एक वीजा में आप 6 महीने का वैलिडिटी रहेगा, तो 6 महीने में आप बार बार जा सकते हो, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वर्क वीजा में अगर आप कुवैत में आओगे तो आप पीसीसी बनवाना ही पड़ेगा। पीसीसी आप तभी बनाइए जब आपको पता चले कि आपका वीजा कंफर्म मिलेगा। पीसीसी का वैलिडिटी बस 3 महीना है, उसका ऊपर जाने से आपको री पीसीसी बनवाना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी पीसीसी है, अगर 3 महीने का ऊपर हो चुका है तो आप लोग नया पीसीसी बनवा लीजिए, अगर आपका वीजा आने वाला है तब। अगर आपका वीजा कब आएगा आपको पता नहीं है, तब आप पीसीसी मत बनाइए, क्योंकि वीजा आने में किसी किसी का 3 महीना लगता है, किसी का 6 महीना लगता है, जो लोग एजेंसी का थ्रू अप्लाई करते हैं। वीजा कुवैत से इशू होने में टाइम नहीं लगता, इधर अप्लाई होने के 2 दिन 3 दिन के अंदर वीजा निकल जाता है। मेरे चैनल पे जाइए, आप लोग देख सकते हैं, वहां पे टाइम बस वहां पे लगता है जब आप किसी एजेंसी या एजेंट को सबमिट करते हो, वो लोग यहाँ पे भेजते हैं, यहाँ पे अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ एजेंट या एजेंसी को भी पता नहीं चलता है, जिसके कारण टाइम लग जाता है। लेकिन कुवैत में अप्लाई होने के बाद 48 आवर्स के अंदर वीजा इशू हो जाता है। जहां तक मुझे आज तक जितना वीजा मिला है 48 आवर्स के अंदर ही मिल गया है, इसलिए 48 आवर्स के अंदर वीजा निकलता है यहाँ पे अप्लाई होने के बाद। आप इंडिया में अप्लाई करोगे तो वहां से अगर 48 आवर्स का हिसाब करोगे, ऐसा नहीं होता है। इंडिया में आप जो एजेंट को या एजेंसी को देते हो, वो लोग कुवैत में भेजते हैं, भेजने के बाद यहाँ पे ये लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, उसके बाद जब टाइम मिलता है तभी अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का भी बहुत प्रोसेस है, तो इन सब प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।